तो मेरी वीडियो पे जो है कॉपीराइट आ चुका है और मैंने जो है वीडियो कर दिया है डिलीट। मेरी वीडियो पे जो है कॉपीराइट आ चुका है और क्या मेरा जो चैनल है वो आगे जाके मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, तो ऐसे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि अगर आपकी वीडियो पे अगर कॉपीराइट आ गया तो आपको जो है वीडियो डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका है तो क्या आपका जो चैनल है वो आगे जाके मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इस वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपको जो है अच्छे समझ में आया जाएगा कि कॉपीराइट आने से जो है आपका वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, आपके वीडियो पे जो है क्या असर पड़ने वाला है क्या असर नहीं पड़ने वाला है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए कॉपीराइट सबसे पहले जो है दो होते हैं जी। दोस्तों मैं जो है मेरी डायरी उठा लेता हूँ। तो कॉपीराइट जो है सबसे मेन जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, दूसरा होता है कॉपीराइट क्लेम। अब सबसे बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। तो कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है? कॉपीराइट स्ट्राइक आपको यूट्यूब तब देता है जब आप किसी दूसरे का कंटेंट अपनी वीडियो में लेते हैं या किसी का जो है वीडियो दूसरे का जो वीडियो है उसे उठा के आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, या फिर आप जो है किसी का भी कोई क्लिप हो, कोई फ़ोटो हो, कोई वीडियो हो, आप उसे जो है अपने वीडियो में यूज़ करते हैं और वो जो ओनर है वो आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, जिससे आपके वीडियो पे आपके चैनल पे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो अब ये कॉपीराइट हटे कैसे? तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है आपने जो भी वीडियो अपने वीडियो में यूज़ किया, जो भी क्लिप आपने यूज़ की है और जो है वो जिस ओनर की है उस ओनर की ईमेल आईडी भी आपको जो है यूट्यूब देगा, तो आपको जो है उस ईमेल आईडी से जो है उससे मांडवाली करनी पड़ेगी, उससे समझौता करना पड़ेगा, तभी आपकी जो स्ट्राइक हटेगी। और ये स्ट्राइक जो है 90 दिन यानी कि 3 मंथ में जाकर हटती है। अगर आपने उस 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर और भी कुछ ऐसी कुछ कर दिया कि आपकी जो है चैनल पे 2 स्ट्राइक और आ गई तो आपका चैनल पूरा बर्बाद। इसके लिए आपको केवल 7 दिन और देता है यूट्यूब। अगर आप उस 7 दिन में अगर उनसे मांडवाली कर लेते हैं ओनर से जिसका आपने जो है वीडियो क्लिप जो भी यूज़ किया था, अगर वो मान जाता है तो हो सकता है कि आपकी जो स्ट्राइक है वो हट जाए। बट लेकिन दोस्तों इसमें एक बात आती है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और मान लीजिए आपने जो है उससे मांडवाली कर ली, तो आपके मन में एक सवाल आएगा क्या अब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज होगा या नहीं होगा स्ट्राइक आने के बाद में। तो दोस्तों देखिए कई कई केसों में ऐसा हुआ है कि किसी का जो चैनल है मोनेटाइज हो चुका है, कई कई केसों में ऐसा हुआ है कि नहीं भी हुआ है। इसमें जो है कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, बट लेकिन आप जो है स्ट्राइक ऐसे हटवा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की। तो सबसे जो सबके मन में रहता ही है कि मेरे वीडियो पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ गया तो अब क्या होगा। तो कॉपीराइट क्लेम कब आता है? कॉपीराइट क्लेम आता है जब जब आप किसी का म्यूज़िक किसी बड़ी कंपनी का म्यूज़िक ले लेते हैं, तो वो जो ओनर है वो आपको जो है क्लेम भेजता है आपकी वीडियो पे कि जो इसने जो है मेरा म्यूज़िक यूज़ किया है तो इसका जो भी शेयर है मतलब यूट्यूब से आप जो भी कमाएंगे वो जो है आप उसको रेवेन्यू देंगे, मतलब 50-50% होता है। अगर मान लीजिए आपने वीडियो में जो है म्यूज़िक यूज़ किया तो आपने अगर इससे 10 रुपये कमाए तो 5 रुपये जो है उसको यूट्यूब अपने आप जो है डिवाइड कर देगा। तो जो है कॉपीराइट क्लेम ऐसे आता है, इस वजह से आता है। तो कॉपीराइट क्लेम की तो है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कहिए के मन में ये भी होता है कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया तो क्या मेरा जो चैनल है वो आगे जाके मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो ज़रूर होगा। अगर आपके वीडियो पे अगर कॉपीराइट क्लेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी अपना वीडियो है मोनेटाइज के लिए रिव्यू के लिए भेजेंगे तो आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा। तो कॉपीराइट क्लेम से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है तो वो जो है एक सोचने वाली बात आ जाती है, क्योंकि आपने जो है किसी दूसरे का कंटेंट जो है अपने वीडियो में यूज़ किया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो है कुछ यूनिक करना है, आपका खुद का वीडियो बनाना है, दूसरे का कंटेंट नहीं अपलोड करना है। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।